विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव दिखेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अन्य राज्यों में शीतलहर की स्थिति शनिवार के बाद धीरे धीरे कम होने के पूर्व संभावना है, जबकि 2 से 4 फरवरी तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। राजस्थान में 1 फरवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। वहीं राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक यानी 1 फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी इलाकों में सक्रिय हो रहा है और मैदानी इलाकों में इसका ऑफ शूट सर्कुलेशन 1 से 2 फरवरी को हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाएगी। बता दें कि राजस्थान के सीकर और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा ठंड रहा और यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम है। चित्तौड़गढ़ 2.2 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर था। तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। अगले 4 दिनों में मौसम में दिखेगा बदलाव। 2 फरवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और उसके बाद गिरने की भी संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सतही हवाएं की संभावना है, यानी जो 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। इसी तरह अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना नहीं है। इन राज्यों में होगी बारिश। IMD ने कहा कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट हल्की या फिर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माही में अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग जगह हल्की बारिश होने की संभावना है।